जिंदगी चलती है, चलते रहो, वक्त के साथ थोड़ा बदलते रहो, राह मुश्किल भी निकल जाएगी, ठोकरे खा के भी थोड़ा संभलते रहो, अंधेरा तो जुगनू से भी घबराता है, सूर्य ना हो तो चिरागों सा जलते रहो, उम्र भर कोई यहाँ साथ नहीं देता, अकेले होकर भी थोड़ा हंसते रहो, कोई खुशबू कोई स्थिति ऐसी नहीं जो जिंदगी भर एक सी रहती हो, छोटा सा जीवन है तुम्हारा, छोटे से जीवन वाले फूल सा महकता रहो, फूल सा महकता रहो। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। इफ यू आर न्यू टू दिस वीडियो देन आई एम हिमांशी एंड थैंक यू फॉर क्लिकिंग द वीडियो, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। परिंदे रुक मत, तुझ में जान बाकी है, मंजिल दूर है बहुत उड़ान बाकी है, यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है, जिंदगी की जंग में है हौसला जरूरी, जीतने के लिए सारा जहान बाकी है, जीतने के लिए सारा जहान बाकी है। हमेशा की तरह मैं सुबह उठ जाती हूँ, आज थोड़े से लेट है तो आज अपना मॉर्निंग रूटीन जल्दी जल्दी करना होगा और जल्दी अपनी टेबल पर बैठ के स्टडी स्टार्ट करनी होगी। तो सबसे पहले उठने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने रूम के पास लगती हुई बालकनी में, क्योंकि यहाँ का बहुत अच्छा व्यू रहता है और मीठी मीठी ठंड हो रही है तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो उसके बाद मैं अंदर आ जाती हूँ और मैं प्रीवियस वोकैब रिवाइज करने लग जाती हूँ। फिर वो सब करने के बाद मैं सोचती हूँ अब थोड़ी देर के लिए नींद निकल गई है तो अब आराम से। भी आपको ऐसा लगे कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तब जिनकी लाइफ आपसे ज़्यादा मुश्किल है उनके बारे में सोचो, जो लोग दिन रात सड़कों पे रहते हैं उनके बारे में सोचो, जो पढ़ नहीं पाते उनके पास सोर्सेज ही नहीं है, उनके पास पैसे ही नहीं हैं कि वो अपने सपने को पूरा कर सकें। हम तो फिर भी बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं और ये सब होने के बावजूद भी हम उनकी कदर नहीं करते, हम उन चीज़ों को वेस्ट करते रहते हैं, लेज़ी बने रहते हैं, सोते रहते हैं, मज़े करते रहते हैं, फ्यूचर की नहीं सोचते, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट की सोचते हैं कि चलो अब मज़े कर लेते हैं। हाँ, प्रेजेंट में इंजॉय भी करना चाहिए लेकिन ऐसे नहीं कि आप अपने फ्यूचर को ख़राब कर रहे हो। तो इसी तरह एक लड़की का कमेंट आया, दीपाली नाम की एक सिस्टर है, उनका कमेंट आता है कि दीदी आपकी वीडियोज़ बहुत अच्छी होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट एंड आप सभी के ये कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग होते हैं, मुझे बहुत हेल्प मिलती है, एनर्जी मिलती है। अगर आप कमेंट करते हो तभी मेरे अंदर जोश आता है कि मैं और अच्छी वीडियो बनाऊं और अच्छे से मेहनत करूं। और वो सिस्टर आगे कहते हैं कि मेरी एक फ्रेंड है, उसके पेरेंट्स उसको पढ़ाई में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, तो आप बताइए आपका क्या सजेशन है। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि क्या करेगी पढ़ के, तू मज़े कर। तो देखो इस चीज़ में हम क्या बोलें, उसके पेरेंट्स ऐसे कहते हैं उसको, तो वो क्या कर सकती है, वो ऐसे कर सकती है या तो अपने पेरेंट्स की इन बातों को इग्नोर करे या फिर उन्हें समझाए। वो थ्री इडियट मूवी है ना, थ्री इडियट्स मूवी बहुत ज़्यादा इस तरीके से रहती है कि भाई हमारे पेरेंट्स समझेंगे, क्योंकि वो मूवी बेस्ड ही इन चीज़ों पे है कि पेरेंट्स बच्चों की चीज़ों को समझते नहीं हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या करना चाहिए, और उन्हें अपनी मर्जी पर थोप देते हैं। तो अगर पॉसिबल हो तो आप अपने पेरेंट्स को दिखाओ थ्री इडियट्स वाली मूवी, और क्या, और जो भी मतलब अपने दिल की बात कहो अपने पेरेंट्स को, क्यों नहीं समझेंगे, किसी टाइम तो समझेंगे। और अगर ये सब भी पॉसिबल नहीं है, कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं, तो आप ये कर सकते हो, जब आपके पेरेंट्स सो जाए तब पढ़ लो, जब वो सो रहे हो सुबह जल्दी उठ के पढ़ लो, रात को पढ़ लो, या फिर आप कॉलेज में जाते हो, स्कूल में जाते हो, किसी भी टाइम पढ़ लो, जब भी आपका, वही बात है ना, पढ़ने वालों को कोई नहीं रोक सकता। और एक दिन आप इतने सफल हो जाओगे कि आपके पेरेंट्स को भी रियलाइज़ होगा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड पेरेंट्स सबके सपोर्टिंग होते हैं, बस थोड़ी सी उनको ज़रूरत होती है कि हम अपनी मन की बात करें, वो अपने बच्चों को समझें, क्योंकि आजकल की जनरेशन के साथ ये भी प्रॉब्लम रहती है, वो भी अपने पेरेंट्स को नहीं समझते और हम भी, और पेरेंट्स भी हमें नहीं समझते। तो इसके लिए यही सब ज़रूरी है, उनकी थोड़ी सी थिंकिंग में चेंज लाओ, आप जो भी प्रयास कर सकते हो उन्हें करो या फिर आप इग्नोर करो, बस यही पॉसिबिलिटी, और क्या कर सकते हैं हम। एंड आप सभी भी, अगर आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है या फिर किसी चीज़ में आपको मेरी एडवाइस चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का। एंड अगर स्टडी से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर आपकी लाइफ से रिलेटेड थोड़ी बहुत इश्यूज़ हों तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। और मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही रहता है कि अगर किसी की लाइफ में मेरी वजह से थोड़ा बहुत मोटिवेशन या थोड़ी सी लाइफ उनकी चेंज हो सकती है तो मैं अपना पूरा दूँ,
मैं 100% कोशिश करूँ कि थोड़ी सी हेल्प किसी की कर सकूँ, उसकी लाइफ थोड़ी सी बेटर हो सके। क्योंकि डिप्रेशन आजकल के बच्चों में, आजकल के जनरेशन में इतनी कॉमन चीज़ हो गई है कि या तो फिर उनको डिप्रेशन का मीनिंग ही नहीं पता, या वो सच में डिप्रेशन में जाते हैं। हर चौथे बंदे के पास जाओ तो उससे पूछो और वो बोलता है कि भाई मैं तो डिप्रेशन में हूँ, और क्या पता सच में भी हो। बहुत सारे सच में भी हो रहे हैं आजकल। तो इसी चीज़ को दूर करने का मेरा मोटिव है कि ज़्यादा नहीं तो एक बंदा दो बंदा किसी की तो मैं हेल्प कर सकूं। तो अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम रहती हो, आपके मन दिन में दिमाग में थोड़ी बहुत कोई बात चलती रहती हो जिससे आप परेशान होते, तो आप कमेंट कर देना, मैं पक्का उसका सॉल्यूशन अगर मेरे को पता होगा तो पक्का बताऊँगी, अपना 100% दूँगी मैं। इसी कोशिश को पूरा करते हुए मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है, जहाँ पर मैं डेली न्यूज़पेपर्स भेजती हूँ और जो भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो भेजती हूँ। अगर आप चाहें तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर 600+ एस्पिरेंट्स हैं जो आप सभी की तरह SSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप चैनल के चैट बॉक्स में जाके उनसे पूछ सकते हैं। अगर किसी को भी पता होगा तो वो बताएंगे ज़रूर, क्योंकि सभी हेल्पफुल नेचर के हैं। ओके, और मेरे को भी पता होगा तो मैं भी बताऊँगी। एक्चुअली मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं सभी के वहाँ पे जो टेलीग्राम पे सभी के रिप्लाई कर सकूँ, लेकिन जब मैं ओपन करती हूँ तो उनके रिप्लाई पहले ही और बंदों ने दिए होते हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग जो भी बंदे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि अगर उनकी थोड़ी बहुत मैं हेल्प कर सकूँ तो ज़रूर करूँगी, हमेशा, अभी अभी नहीं, हमेशा। और आप लाइफ में कभी भी हार मत मानना, मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको। जैसे बोलते हैं ना कि एक लड़की होती है और उसके हाथ में एक डॉल होती है और उसके सामने भगवान जी होते हैं और भगवान जी बोलते हैं कि ये डॉल मेरे को दे दे, तो वो लड़की मना कर देती है। और वो भगवान जी ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान जी के पास उससे भी बड़ी डॉल होती है, अपने पिछले हाथ में वो छुपा के रखे होते हैं और उस लड़की को बोलते हैं कि मेरे को दे दे, वो लड़की मना करती रहती है, रोती रहती है। तो आप भगवान की इस चीज़ पे विश्वास रखा करो, अगर आपसे कोई चीज़ दूर जा रही है तो समझ लो उससे बेस्ट आपको मिलने वाली है। भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ प्लान किया होता है, बस आप कभी भी हार मत मानना। लाइफ आपकी आज है, कोई ज़रूरी थोड़ी है कल भी वैसी ही होगी। आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को फेस करना, उनको अच्छे से मेहनत करके उन प्रॉब्लम्स को चेंज करना हमारे हाथ में है। अगर हम उन प्रॉब्लम्स से ऐसे कर लेते हैं, भाई हम तो थक गए हैं, हमसे तो कुछ नहीं होगा, मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, मैं नहीं कर सकता, तो देखो तो आप नहीं कर सकते। लेकिन आप कर लेकिन अगर आप सोचने लगो कि भाई मैं कैसे कर सकता हूँ, चलो ट्राई करके देखता हूँ, जब आप ट्राई करोगे उसके बाद आप सोचोगे कि हाँ कर सकता हूँ, ट्राई करने के बाद सोचोगे, ऐसे मत सोचो ट्राई करने से पहले ही सोचोगे, पहले ट्राई करोगे फिर उसके बाद सोचोगे कि मैं कर सकता हूँ, और फिर लास्ट में आप कर भी जाओगे। एंड हर हर महादेव।